हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैल कंट्रोल। सो आज का टॉपिक है टॉडलर्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक करें। 5 साइंस एंड 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। 5 साइन बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने के। पहला है बच्चे को भूख ना लगना। आप खाना ऑफर कर रहे हैं, वो खाना नहीं खाएगा। आप मिल्क ऑफ़र करेंगे, आप वो मिल्क नहीं पिएगा। दूसरा है 2 दिन में 3 दिन में उसको पॉटी आना। तीसरा है जो उसका टमी है वो आपको हाथ लगाने से ही पता लगेगा कि हार्ड हो रखा है। चौथा है बच्चे को जब पॉटी आती है तो वो ज़ोर लगा रहा है और वो रो रहा है, और जो उसकी पॉटी है वो क्ले टाइप, मतलब एक हार्ड स्टूल आपको दिखेगा। फिफ्थ है बच्चे को रात में उठता है वो डिस्टर्ब नींद आती है उसको, और आपको रीज़न नहीं कि उसको क्यों डिस्टर्ब नींद आ रही है। आपको लगेगा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, बट नहीं, उसको पेट में शायद आप हम बोलते हैं ना कि पेट में दर्द हो रहा है, पॉटी नहीं आई है, इस वजह से भी बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। 5 टिप्स बच्चे की कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए। पहला है ल्यूकवॉर्म वाटर। गुनगुना पानी बच्चे को उठते ही सुबह ऑफर कीजिए, वो गुनगुना पानी पिएगा, उसके 10 या 15 मिनट बाद बच्चे का पेट अपने आप साफ हो जाएगा। कुछ दिन लगेंगे इनको ये हैबिट अडेप्ट करने में, बट दिस इज़ द वेरी गुड हैबिट अगर आप बच्चे के अंदर डाल दें। अगर बच्चा आपका ल्यूकवॉर्म वाटर नहीं पी रहा है तो आप उसको नॉर्मल पानी पिलाने की सुबह सुबह आदत डालिए। दूसरा है जब आप बच्चे की मसाज करते हैं तो जो उसका नेवल का एरिया है उसके पास सर्कुलेशन मोशन में आप उसका ऑयल ज़रूर रब करें और उसकी टांगों की बहुत अच्छे से मसाज करें। थर्ड है वार्म बाथ, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, नॉट गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी की बात देना। गर्मियों का टाइम है तो हल्के गुनगुने पानी की आप ज़रूर बात दीजिए अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो। फोर्थ है हाइड्रेशन। बच्चे की डाइट में आप खूब सारे जूसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स डालिए और उसको पानी थोड़ी थोड़ी देर में ऑफर कीजिए ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेट रहे। आप फ्रूट्स में वाटरमेलन, मेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसको जूसेस, फ्रेश जूसेस जो घर में बने होते हैं वो ऑफ़र कीजिए। फिफ्थ एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, दैट इज़ डेली रूटीन। आप चेक कीजिए उसकी डेली रूटीन सेम है कि नहीं, मींस बेड टाइम एक फिक्स है कि नहीं है, मिल्क का टाइम, फूड का टाइम उसका सेम है कि नहीं है। अगर डेली बेसिस का रूटीन बच्चे का सेम नहीं होता है, कहीं रूटीन प्रॉब्लम है, तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़।